इस वक्त हमारे साथ नोएडा सेक्टर 24 के SHO मौजूद हैं अखिलेश त्रिपाठी जी। सर ये बताइए कि जो FIR दर्ज हुई उसमें छेड़छाड़ का मामला दर्ज नहीं? जी हाँ दर्ज है, अब दर्ज है, पहले दर्ज नहीं हुआ। पहले दर्ज गलती से, क्योंकि FIR में जो परिभाषा होती है जिस पर FIR के अकॉर्डिंग जो धाराएं लगनी चाहिए उसको मुंशी नहीं लगाया था गलती से, उसके लिए वो निलंबित हुआ है। उसको समय रहते तुरंत उसको अमेंडमेंट करके सुधार लिया गया है। इस समय जो धाराओं जिन धाराओं में विवेचना हो रही है FIR के मुताबिक 306, 354 और 506 IPC और 7/8 पॉस्को एक्ट में उसके अंतर्गत ही विवेचना जारी है। तो इसमें इस समय कहां कहां पुलिस टीम पहुंची? इस समय एक पुलिस टीम मयूर विहार फेस 1 एल्कॉन स्कूल पे है और एक टीम पोस्टमार्टम हाउस पे है। एक व्यक्ति CMO साहब के संपर्क में है कि उनका पैनल का गठन हो जाए, पैनल से पोस्टमार्टम करा दिया जाए। कई जगह बटने के कारण जो है वो लोग अपने अपने जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगा पुलिस मौके पर नहीं पहुंची क्या? नहीं, पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची थी क्योंकि इनका घर बंद था। इसके बाद हम लोग इनके साथ साथ ही कैलाश हॉस्टल में लगे रहे और लगातार 2 बजे रात तक रहे थे इनके साथ। जब ये FIR लिखाए हैं बॉडी को मोर्चरी पहुँचाने के बाद इनके साथ लगातार रहते हुए जब आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है, विवेचना में जो तथ्य पाए जाएंगे तत्काल समय रहते कार्रवाई की जाएगी। देखिए अखिलेश त्रिपाठी हैं जो SHO है, साफ साफ उनका कहना है कि अगर कहीं ना कहीं जांच में बात सामने आई कि इनका रोल है आरोपियों का तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस सिलसिले में फिलहाल पुलिस का कहना है कि छेड़छाड़ की धाराओं के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया और पूरे मामले की जाँच की जा रही है।